हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। अगर आप ये देख रहे हो कि आपका न्यूबॉर्न बेबी फीड लेते लेते सो जाता है, जिसकी वजह से उसका पेट पूरी तरीके से नहीं भरता या उसके वेट गेन में प्रॉब्लम आ रही है, तो इस वीडियो में मैं जो आपको टिप्स दूंगी उन्हें ज़रूर ट्राई कीजिए। ये टिप्स मुझे एज अ मॉम काफ़ी हेल्प किए थे एंड आई होप आपको भी करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन हिट कीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, पहले 3 महीने में बच्चे बहुत ज़्यादा सोते हैं, इनफैक्ट कई बार उनको फीड के लिए जगाना भी मुश्किल होता है, और जाग जाएं तो वो फटाफट थोड़ी सी फीड लेके वापस सोने के मोड में आ जाते हैं, कई बार तो ब्रेस्ट पे ही सो जाते हैं। अब ऐसे में एज अ मॉम हमें क्या करना चाहिए? गिल्ट ये कहता है कि बच्चे को नींद से ना जगाया जाए, बट द राइट थिंग टू डू इज दैट उसे उठाया जाए और प्रॉपर फीड दी जाए, जिससे वो बारी बारी रोते हुए ना उठे भूख के लिए और उसकी हेल्थ भी प्रॉपर तरीके से बढ़ती रहे। तो सबसे पहला टिप मैं आपको दूंगी कि जब आपको लगे कि बेबी थोड़ा नींद में जा रहा है तो उसको थोड़ा सा टिकल कीजिए। तो सबसे पहले जैसे बच्चे का जो पैर होता है उसके नीचे आप बहुत ही हल्के हाथ से इस तरीके से कीजिए या इस तरीके से कीजिए, तो इससे बच्चे की नींद खुलती है। आप यही चीज़ उसके कान के पीछे कर सकते हैं या फिर चिन के नीचे बहुत ही सॉफ्ट हैंड से कर सकते हैं, तो बच्चे की नींद खुल जाएगी। दूसरा टिप है कि बच्चे से बात कीजिए। मदर और बेबी का बॉन्ड करने का ये बेस्ट टाइम, मोस्ट एक्सक्लूसिव टाइम होता है। आप बच्चे को गाना सुनाइए, बच्चे से बात कीजिए, बेसिकली एनवायरनमेंट को थोड़ा सा एक्टिव रखिए, जिससे कि बच्चा इतना कंफर्टेबल नहीं हो जाएगा कि वो सो जाए। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप उस जगह पे उसे फीड कराइए जहाँ बहुत शोरगुल हो, सब आ रहे हों, बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा इन्हीं सब चीज़ों से उसको डिस्ट्रैक्शन होगी। मेक श्योर आप एक अलग रूम में बच्चे को आराम से फीड करा रहे हैं, दैट इज़ योर एंड योर चाइल्ड्स टाइम, और वहाँ पर आप बच्चे से बात कर रहे हैं या कुछ लाइट म्यूज़िक आपने प्ले कर दिया है। तीसरा टिप है कि ब्रेस्ट को चेंज करके फीडिंग कराइए। देखिए, डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप एक ब्रेस्ट से 15 मिनट फीड कीजिए, फिर बच्चे को उठाइए, ब्रेक द फीडिंग एंड दूसरे ब्रेस्ट से फीड कराइए। इस तरीके से दोनों ही ब्रेस्ट का प्रॉपर न्यूट्रिशन बच्चे को मिलता है और जो बच्चे का एक फ्लो चल रहा होता है जिससे इवेंचुअली वो नींद में आ जाता है, वो भी ब्रेक हो जाता है। जब आप वन ब्रेस्ट टू द अदर चेंज करें तो बच्चे को उठाते हुए थोड़ा सा उसे बर्प भी दे दीजिए, जिससे कि बच्चे का अभी तक का फीड डाइजेस्ट हो जाएगा एंड वो नेक्स्ट ब्रेस्ट के लिए एक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट टिप है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा वार्म मत रहने दीजिए फीड के टाइम पे। देखिए, जब आप एक बच्चे को फीड करा रहे होते हैं तो आपकी बॉडी की वार्म्थ से बच्चे को वार्म्थ मिलती है, और साथ ही बच्चे के लिए फीडिंग एक मेजर वर्कआउट की तरह है, जिससे कि उसकी बॉडी में अपने आप भी वार्म्थ यानी गर्मी जनरेट होती है। तो अगर आप अपने बच्चे को उसी कंबल में या उन्हीं सब चीज़ों में रखेंगे जिसमें वो सो रहा है, तो उसे लगेगा कि ये सेम मेरा स्लीपिंग एनवायरनमेंट है, जिससे वो वापस फटाफट स्लीप मोड में चला जाएगा। इसीलिए जो एक्स्ट्रा लेयर ऑफ ब्लैंकेट है या एक्स्ट्रा लेयर ऑफ क्लोथिंग है उसे थोड़ा हटाइए और बच्चे को फीड दीजिए। आइडियली तो द बेस्ट फॉर्म ऑफ फीडिंग इज थ्रू स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। आपने देखा भी होगा, जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आता है द फर्स्ट थिंग दैट द डॉक्टर्स वॉन्ट अ मदर टू डू इज स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट एंड फीड। तो उस तरीके से भी आप दे सकते हैं, बट दैट्स टोटली योर कॉल डिपेंडिंग ऑन द वेदर कंडीशंस या आपके घर की क्या कंडीशंस है, बट पर्पस ये है कि बच्चा एक्स्ट्रा कंफर्टेबल उस टाइम पे नहीं होना चाहिए। द नेक्स्ट ट्रिक इज डाइपर चेंज कर दीजिए। मैक्सिमम बच्चे डाइपर चेंज के टाइम पे उठ जाते हैं, तो आपको दिख रहा है कि बच्चा बहुत ही ज़्यादा नींद में है, अभी 3-4-5 मिनट ही हुए हैं फीड करते हुए, उसे बेड पे रखिए, उसका डाइपर चेंज कीजिए और फिर से फीडिंग कीजिए, बच्चा उठ जाएगा। द नेक्स्ट टिप इज दैट अपने ब्रेस्ट को हल्का सा कंप्रेस कीजिए, जो निप्पल एरिया है उसके पास आप बहुत हल्के हाथों से अपनी फिंगर्स से ब्रेस्ट को थोड़ा सा प्रेस कीजिए, जिससे बच्चे के मुंह में जो निप्पल का पार्ट है वो थोड़ा सा हिलेगा एंड बच्चे की नींद खुल जाएगी। एंड द नेक्स्ट ट्रिक इज बच्चे की फीडिंग पोजीशन चेंज कीजिए। नॉर्मली हम बच्चे को इस पोजीशन में फीड कराते हैं, ये मदर के लिए भी कंफर्टेबल होता है, बच्चे के लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल होता है, बट कई लोग जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा सोते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे, वो फुटबॉल पोजीशन में बच्चे को फीड कराते हैं। मुझे तो वो कंफर्टेबल नहीं लगा था, मैं नहीं करा पाती थी, बट डॉक्टर ने भी मुझे सजेस्ट किया था कि अगर आपको ऐसा बहुत लगे तो फुटबॉल पोजीशन भी ट्राई कीजिएगा, दैट इज़ ऑल्सो वेरी सक्सेसफुल। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे की बॉडी जो होती है वो पीछे की तरफ होती है, तो बच्चा काफ़ी एक्टिव रहता है। तो ये तो थे मेरे टिप्स, जिसमें से काफ़ी सारे मैंने पर्सनली खुद एक्सपीरियंस किए कबीर के साथ और काफ़ी सक्सेसफुल रहते थे। बट एक टिप जो मुझे और सजेस्ट किया गया था कि एक वेट क्लॉथ ले लो, जैसे बच्चे को जो सॉफ्ट टॉवल होता है उसे थोड़ा सा गीला कर लो और फिर उसे बच्चे के फेस पे थोड़ा सा लगाओ, जिससे कि बच्चा एकदम से उठ जाता है। मैंने वो कभी ट्राई नहीं किया, बट इफ इट वर्क्स फॉर यू देन यू कैन डेफिनेटली ट्राई दैट। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद
पसंद आया होगा। आया हो तो लाइक बटन जरूर हिट कीजिएगा। लास्ट में मैं आपको एक टिप जरूर दूंगी व्हेन इट कम्स टू ब्रेस्ट फीडिंग। फीडिंग कराते हुए ऑलवेज ब्रिंग योर बेबी टू द ब्रेस्ट। आप अपने ब्रेस्ट को बेबी के पास मत ले जाइए, बेबी को ब्रेस्ट पे लेके आइए, अदरवाइज इट विल बी वेरी हार्मफुल फॉर योर बैक। सो जस्ट मेक श्योर यू डू दैट एंड इन्जॉय योर ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी। ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड मैंने और भी वीडियोज अपने चैनल पे किए हैं, वो भी आप जाके जरूर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।